हेलो, राम राम बेबे सारियान है। और फिर बेबे मैं संतोष ठाकराण लोक्स में आपका स्वागत है। बेबे मैं आपके अपने संतोष ठाकराण आपका स्वागत करती हूँ। बेबे मैं फिर आ गई है। मैं तब बताऊँ थी कि बेबे आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं हेड मसाज लेकर आई थी, था तब बताई थी मैंने। और जी मैंने सिर शर धो लिया और जी थोड़ा सा वो होया है, थोड़ा सा सोई उतर गई। तो मेरी थोड़ी थोड़ी मतलब है, रहती भी रही है पर देख कम रह रही है ना। जब तो घनी हो रही थी पर कम है। तो फिर मैंने बेबे नाई, मैंने शर धोया, मैंने मेरा सारा काम निपटाया। मैं तो बताऊँ थी जब मैं कभी मेरा सारा काम पड़ा है बेबे, मैंने सारा काम 1.5 घंटे में निपटा दिया था। और काम मैं लगी थी जी 1:20 पर, और मैंने जी 2:30-3 बजे काम खसूड़ तैर दिया था। और वे फिर मैंने क्या करा, मैं अपने नाक है एक गोली रोटी खाई, रोटी खा कर मैंने गोली ली जी, गोली लेके ने फिर मैं गई सो। मैं उठी जी 5:30 बजे सी, 4 बजे भी ना उठा गया मैं, क्यों 4 तो मैंने सोते सोते बज गए। मैं जी 5:30 बजे उठी, एतवार था आज, फिर दुकान करने गई नहीं थी, मैं घर आई थी। तो फिर मैं 5 बजे से उठ के ना फिर मैंने जी थोड़ा सा घर संगवाया। और ये देखियो बेड, बेड संगवाया और बेड पर बेड शीट चेंज करी जी वो बदले। और के नाम से फिर सांझ की रोटियां की तैयारी कर दी। और सांझ का के है मैंने सब्जी रोटी मतलब के है, सब्जी तो मैंने बना दी और रोटी मैं ही बनाऊंगी और आटा लगाऊंगी। और मैंने सब्जी में के कराया कि मैंने सब्जी में के बनाया भी दिखाऊँ थी। किसी लागी है सब्जी देखियो, ये देख सुथरी लागी कई देखियो। अरे पूछ लो मैं है के बेरा के है जी, थोड़ा सा तो पनीर दरिया था होंगे वो मतलब बस थोड़ा ही था वो मैंने योग के बाद तो पनीर गिर दिया के मैं दरी थी जी गवार की फली। और वह गवार की फली थी वे कर दी। और बेबे के मैं थे आलू गेर दिए, अरे बेबे मिर्च दरी थी एक, बेबे एक गिर दिया शिमला मिर्च। और बेबे वो मैंने आलू और जिस गवार की फली और के नाम से थोड़ा वो पनीर था। और जी मतलब है ना एक दिन पाइया भिंडी ली थी तो वो उसने सागर ने खाया कर हमारी भिंडी और तो हमको समा बेटा ने खा कर दोनों अम्मा था हम तो वो सागर सागर खाया गया। तो वो सागर ने वो जन्म एक तारीख का जन्मदिन था उस दिन भिंडी नहीं बनी और दोनों जी जो घूमने चला गया रस्तीन से। तो पाइया भिंडी में तो एक दो भिंडी तो भूसी जाए वो भूसी गई थी और एक दो भिंडी थोड़ी सही थी साफ थी वो दो दाकर पोछ पाछ कर दीजिए एक दो भिंडी गेर दी। और ये मिक्स सा बना कर तैयार कर दिया, ये खाएंगे थी इनकी खुशी और वे ना खाएंगे थे इनकी खुशी। मेरा काम था बना कर दड़ा मुन्ना दिया बना। और जी ये अपने सांझ की रोटियां की तैयारी कर दी है और वे रोटी बना दूंगी और फिर वे रोटियां के बना कर ना और थोड़ा वक्त तक सोऊंगी। वो तो सोते सोते मैंने 12 बुरा तो बजे जा 12:30 पर बेबे आज मैं थोड़ा वक्त तक सोऊंगी क्योंकि मेरे ना सर का मैं बताऊँ थे ना घना दर्द था जो अच्छी अच्छा दर्द है। गोली गाली तो मैंने ले ली इफ्सान ने तो मैं गोली नहीं ली क्योंकि घनी गोली लिए पाचा तो फिर है ना खम खाना वो फिर मुँह में छाले हो जाए तो मैं घनी गोली तो लिया ना करूँ। और फिर मैंने एक गोली ले ली आई वो आराम से हो जाएगा तो दूध पी कर ना तत्ता रोटी खा कर 1/2 घंटे पाचा तत्ता दूध पी के और फिर बेबे मैं सो जाऊँगी। तड़के थी थोड़ी सी सोई साई सी उतर जाएगी मुँह की और थोड़ा सा हो जाएगा वो क्योंकि बेबे तेरे का काम भी करना है दुकान पर भी जाना है और भी काम करने बालक भी बेबे अपना स्कूल कोचिंग पर जाएंगे छोटा कोचिंग बच्चा का बड्डा अपने कॉलेज में जाएगा। हाँ तो बेबे वो करूँगी। और बेबे आज मैं बताऊँ थी थरती दुकानदार था वो घर आए थोड़े बहुत कपड़े दे गया था वो डेमो दिखा कर गया था तो ये कपड़े थे और ये कपड़े ले जब वो ले आया था वो मंदिर है फिर ये मैंने जचा दिए सारे के सारे कपड़े और ये जचा के न मैंने वे था मैं कहीं लत्त जचा दूँ और बेबे मैंने साग रोटी कर दूंगी। और के नाम से जिन्हें काम चल ले जा है। और आज है ना मेरा भतीजा रहा था मैं बताऊँ थी 1 तारीख का डट रहा था मेरा भतीजा तो आज बेबे वो मेरा भतीजा भी गया अपने घर तो उसके वजह से भी मेरा थोड़ा जी हाना लग रहा क्योंकि वो भी थोड़ा ना अच्छा टाइम पास कराओ था अच्छा मतलब मजा के ऐसा मेरा भतीजा अच्छा बोलता रहेगा मैंने वो भी अपने भतीजा तो बहुत प्यार से दोनों हाथ मैंने भतीजे भतीजे अपने बहुत प्यारे लग गया अपने तो वो इवा रहा था वो छोटा है तो वो थोड़ा सा नहीं वहाँ लाडला सा है अच्छा बेबे आज वो अपने घर आ गया तो आज वो ये घर सुना सुना सा नहीं हुआ अगर आज हमारा घर में सुना सुना सा हो रहा है पर नो है जीजी वो तो आज ना तो कल जाओ तो जाना ही था तो बेबे आज वो अपने घर चला गया और के नाम से और बेबे
नहीं बस चलता रहे तो तुम बता दो थोड़ा बहुत अपना भी और जी कमेंट करके बताया करो। और बेबे एक बेबे ने बोली कि बेबे तू हरियाणवी भाषा है बोलया कर, तू हिंदी उन्हें मिक्स मत करा कर। बेबे देखे वैसे तो मैं कोशिश करा करूँ पूरी पूरी हरियाणवी है बोलने की, पर उसमें थोड़ी थोड़ी सी आ जा है मिलावट ही। और मन था देख भी उसमें ब्लॉग में बताई है थी जी मेरी लैंग्वेज की कि जी मेरे तो हिंदी और हरियाणवी दोनों मिल जा है, पर मैं कोशिश करा करूँ पूरी पूरी हरियाणवी बोलने की। और जी क्योंकि हरियाणा के हाँ तो हमने गर्व है अपनी हरियाणवी भाषा पे। और बेबे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तो कोशिश करूँगी। और बेबे थारा न्यू सपोर्ट रहा, न्यू थारा साथ रहा। तो बेबे तुम क्यों हो गई हो थारी बेबे न्यू बढ़ाए जाके न्यू देखे जाइयो जिसे भी है उसे। बेबे मैं अपना अपनी कोशिश अच्छे की करती हूँ कि भाई मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे अच्छे अपनी पूरी पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे बनाने की। और बेबे तुम बताए दो कि जेकर एक आधी बार कमेंट करते हैं या मतलब वो भाई पर्सनल फोन पर भी मेरे तरफ फोन करते हैं, पर्सनल मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पर कि भाई बेन न्यू, तो अच्छा लगता है ऐसे जब कोई बताता है अभी हमारे हमारे अंदर या कमी है तो आप बताओ है तो जब थोड़ा बेबे देख अच्छा तो लगता है। और बेबे ठीक है ये मैं रोटी पो दूँ और रोटी पो कर खा के आज ज्यादा घंटा पास दूध पी कर फिर सो जाऊंगी। और जो मैं बेबे सूट लाई जो मतलब देख गए ना सूट जो मैंने तैयार करके टेक रखे हैं मैं मन था दिखाऊंगी और मैं उसकी भी वीडियो गिरूंगी। मतलब सूट उसने लाए थे बहुत सुथरे थे और मैं वह भी था दिखाऊंगी कल दिखाऊंगी। कल न्यू है इव तो मैं बेबे काम कुम करूँगी करूँगी सुबह जैसे मतलब इन्हें मैं दुकान पर लेकर जाऊँगी तो एक एक ना खोल कर ना और फिर मैं थर दिखाऊंगी कि बेबे एक यो एक यो एक यो इसके तीन रंगी के दो रंगी के चार वो थर दिखाऊंगी। मतलब मैंने क्या है कि वो ईव है उस टाइम मैंने कही मैं कि भाई डेमो के दिखा जा के ले रहा तो कहने अगर मैंने पसंद आ गया तो मैं एक दो ले लूँगा ना ले तो फिर मैं दुकान पर जाकर ले आऊँ। तकरीबन तो मैं नहीं लिया करूँ अड़ा कर वो कितना दिखा जाओ चाहे डीलर तो मैं उड़े जा कर लेकर आया करूँ। हर बेबे ईब जाऊँगी मैं एक दो दिन में जयपुर, मैं जयपुर तो जी बेड शीट और ये दो हर वगैरह है ना ये ले आया करूँ। और एक दो दिन में जाऊँगी मैं बेबे जयपुर। और जब मैं जयपुर जाऊँगी जब भी मैं थर तक बताऊँगी कि बेबे आज मैं जयपुर जाने लग रही हूँ और मैं तकरीबन तो जाया करूँ बेबे हरियाणा के जहाज रोडवेज में। अरे बेटे ने जहाज के दरिया जाया रोडवेज मैं जाया करूँ बेबे रोडवेज में। मारे अड़े तो झज्जर तो 5 बजे चल पड़ा अगर रोडवेज उसमें बैठ जाया करूँ तो मैं उठा करूँ 7:30-8 बजे। पर जिस दिन मैंने जयपुर जाना ना उस दिन मैं 5 बजे मैं गाड़ी लेकर बहुत कम जाया करूँ है क्योंकि कभी कभी अपनी जिंदगी अपने तरीके से भी जीनी चाहिए। उस बहाने एक दिन मैंने हुआ अपनी एक लिए खुल के मैं चली जाऊँ मेरी एक सहेली और चली जाएगा तकरीबन मेरे लिए एक लिए तो मैं नहीं जा सकती कितने भी मेरा बीपी का ऐसा रोला है कि मेरा को बीपी आई है लो जा तो मैं और एक मेरी सहेली जाएगा ना हम दोनों जने जावेंगे। और जी सांझ ने 9:30-9 बजे तही वह उल्टी आया कर हमारे झज्जर में 9:40 तही उल्टे उससे अपनी जहाज में बैठ कर जी जी हरियाणा रोडवेज में चुए चू करते आवेंगे। अरे बेबे उस माँ अगर अपना लगवा कर लोट उड़े थे फिर वो लोट लग कर हमारा आ जाएगा घर ने दुकान का। और बेबे जिस दिन मैं जयपुर जाऊँगी उस दिन भी थर जरूर बताऊँगी। और बेबे जिसा भी उसका जयपुर का भी मैं तुमने मार्केट दिखाऊँगी जो जयपुर की है। बेबे एक दो दिन में जाऊँगी क्योंकि दिवाली के पास में बहुत सारी आड़े चादर नई पता नहीं थारे है कि नहीं है पर हमारे आड़े झज्जर में ना दिवाली पे नई चादर बिछाने का बहुत चलन है तो यहाँ पर तो सबसे ना तकरीबन नई चादर बिछाया करे बैडा पे तो बेबे सब लोग लेकर जाया करें तो मैं सारी मेरी चादर का इंतजार कराया करें तो बेबे मैं इसलिए मैं जाऊंगी दोनों में थतले बता दूंगी। और बेबे इब मैं बना दूँ रोटी रोटी बना लो क्योंकि और देखे इब मेरी ना आवाज़ भी सही लग रही है क्योंकि मैं इब थोड़ा सा मतलब गोली लिए पच्चे थोड़ा आराम नहीं हो जाएगा आराम हो रहा है इब मेरा। और बेबे वो तो फिर ठीक कर रहा है पर मतलब मैं क्या करूँ बेबे मैं बेरा ना खड़ी का बेरा पड़ता ना बेबे मेरा पड़ी का बेरा पड़ता ना पैर ने खड़े पानी अपने बरबर पड़े पानी मरे बरबर बेबे मैं तो वाह हो रही हूँ एक मिनट में तो मैं ठीक हो जाऊँ बेबे एक मिनट में फिर आना मेरे तो के हो जा सर के नहीं के मैं बताऊँ बेबे के है बस फिर बताऊँगी तुमने यह बात ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जो कि हमारे अंदर से नहीं निकल पाती तो यहाँ तो बेबे मेरा मूड पहले थोड़ा सा गोली गाली लेकर ही बड़ी मुश्किल से ठीक होया है तो आज तो नहीं बताऊँ मैं तुमने फिर कदे बताऊँगी कि बेबे कई बार ऐसा हो जा दिमाग से बहुत सी ऐसी बातें होती जो कि नहीं निकलती और हम उन बातों को लेकर बैठे ही रहते हैं और बैठे भी रहे पता नहीं कोशिश तो करते कि भी निकल जाए मगर नहीं निकलती
कोई नहीं निकल जाएगी देते रहे। तो वे मैं अपनी रोटी पो लूँ और वे अपना काम कर लूँ, और तब तक के लिए वे राम राम। और वे लाइक करा करो, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और वे जो मेरी गलतियाँ वो मैं तो बताया करो, ताकि मन मेरी गलतियों का पता चले और मैं उसमें सुधार लियाऊँ। ठीक से तब वे सारी सब ने बहन भाइया ने और सभी दोस्तों को और सभी को छोटे बड्डा को जी जी कह अगर बड्डा ने राम राम, छोटा ने आशीर्वाद। और वे मैं अपना काम कर लूँ, तब वे टाटा बाय, राम राम, जय श्री राम।